हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान और इतना ही स्वादिष्ट शिमला मिर्च और टमाटर की सब्जी, जो बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी है। इसके लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च, टमाटर, जितना शिमला मिर्च है उतना ही टमाटर है, दोनों को एक तरह से कटा हुआ है। इसके साथ चाहिए लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, आधा चम्मच चीनी, नमक, जीरा छौंक के लिए चुटकी भर हींग, एक चम्मच घी में बनाएंगे इसे हम। आइए एक पैन गरम कर लेते हैं। हम डालते हैं एक चम्मच घी। घी गरम हो गया है हमारा, इसमें डाल देते हैं हाफ टी स्पून जीरा। एक चुटकी हींग, और हम इसमें डालते हैं टमाटर मेरा कटा हुआ। हल्दी हाफ टी स्पून, मिर्ची हाफ टी स्पून, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से, चीनी भी आधा चम्मच। एक दो बार चला करके अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। ढक के एक दो मिनट पकाइए। 5 मिनट हो गए हैं, आइए देख लेते हैं हमारी सब्जी रेडी है। हाँ, ये बिल्कुल रेडी है। आइए इसको सर्व कर लेते हैं, गैस ऑफ कर लेते हैं। ये सब्जी घी में भी स्वादिष्ट लगती है और ये कैप्सिकम क्रंची ही होना चाहिए। इसको आप नाश्ते में पराठा पूरी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है।